जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भैया स्टेशनरी के काम में इतनी इनकम नहीं है यार, ये काम बेकार है, इसमें थोड़ा सा तो मार्जिन है, उसमें भी ख़राब कोई सामान नहीं बिकता और माल बहुत डालना पड़ता है। तो ऐसे ऐसी बहुत बातें बोलते हैं और कहते हैं अगर काम है तो वो, अगर कमाई है, इनकम है, तो स्टेशनरी के होलसेल करने पर है। भाई मैं एक बात पूछ चुका, होलसेल करने पर पैसे लगते हैं और कमाई रिटेल में क्यों नहीं है? बल्कि हर बंदे के अलग हिसाब से काम चलता है। अब होलसेल वाला वो अपने हिसाब से लेके चलता है, वो कमाता है 1 रुपये कॉपी, वो बल्क में बेचता, मतलब कि क्वांटिटी में बेचता है। हम कमाते हैं 5 रुपये, 6 रुपये कॉपी, अलग अलग हिसाब से 10 रुपये कमाते हैं, लेकिन हम रिटेल में बेचते हैं। हमारे काम में भी कमाई है, क्यों नहीं है कमाई? कमाई करने वाला हर हिसाब से हर काम में कमाई कर सकता है। क्या मैं कमाई नहीं कर रहा हूँ? मैं भी करता हूँ, काम को बढ़ाता भी हूँ। वो लोग क्यों कहते हैं कि कमाई नहीं है, ये भी बता दूँ मैं आपको। वो इसलिए कहते हैं, जैसे बीच बीच में आपने देखा होगा स्टेशनरी का काम, जैसे छुट्टियाँ पड़ गई तो क्लम पड़ गया, डाउन हो गया। सर्दी आ गई, छुट्टियाँ पड़ गई तो डाउन हो गया। एग्जाम शुरू हो गए तो थोड़ा डाउन हो गया, हल्का हो गया। वो सोचते हैं कि जैसे जब स्टार्टिंग में कॉपियाँ बिकती ना, 12 महीने ऐसे बिकती रही, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने स्टेशनरी के काम को बढ़ाना है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर काम को आपने बढ़ाना है, कई लोग क्या है, वही सिंपल सा सामान रखा है और वो बैठे रहते हैं, सोचते हैं इसी में काम बढ़ता रहे, इसी चीज़ को घुमाते रहे, नया हम कुछ नहीं लाएंगे। अपग्रेड तो आजकल आपको होना ही पड़ेगा, हर बिजनेस में आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। कोई सा भी बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस जैसे लोग अपग्रेड हो गए, उसमें हर चीज़ कंप्यूटराइज होती है, उसमें हमारे में भी सामान अपग्रेड हो गया। पहले स्टेशनरी जो है सिंपल चला करती थी, सिंपल कॉपी पेन होते थे, अब स्टेशनरी में फैंसी आइटम बहुत हो गई है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आ गए अब तो इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कैसा, जैसे आपने नए नए पेन देखे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, आप यूट्यूब पे देखते होंगे, लोग डालते हैं, तो ऐसी आइटम भी बहुत आ गई है। या कि दुकानदार नहीं लाते वो अलग बात है, तो बहुत चीज़ें ऐसी। अब आपको अपग्रेड होकर ही काम करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जैसे बताऊँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मुझे अपने काम को बढ़ाना है, मैं क्या करता हूँ, जैसे अब सर्दी आ गई, छुट्टियाँ हो गई, स्टेशनरी हल्की पड़ गई, क्योंकि महीने भर की आपके मान के चलो बच्चों की छुट्टियाँ चलती है, लेकिन बच्चे उसमें अपना इंटरटेनमेंट पूरा करते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट का सामान ले आता हूँ, क्योंकि मैं उसमें पैसा लगाना छोड़ देता हूँ, कम कर देता हूँ, कॉपियाँ वगैरह कम कर देता हूँ, क्योंकि इक्का दुक्का बिकती है। वो एक महीना मैं सामान बेचता हूँ, पूरा बैडमिंटन हो गई, शटल कॉक हो गई, बॉल्स हो गई, बतरी चीज़ें इसमें इंटरटेनमेंट की गेम वगैरह बिकते हैं, पूरी सर्दी बढ़िया काम रहता है और इनकम की चीज़ें होती हैं, 50%, 40%, 30% उसमें इनकम होती है और हमारी सेल भी बढ़ती है। फिर अब वो होगी छुट्टियाँ ख़त्म, ठीक है, फिर जो सामान मैंने बेचा था मैं एंड टाइम पे उसे लाना बंद कर देता हूँ, मैंने वो सामान निपटा देता हूँ अपने। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने धूप आ रही है, दिखा दूँ बैडमिंटन, ये सिर्फ 2 या 3 पड़े हुए हैं, इससे मेरे पे 15 से 20 थे, सब निपटा दिए, 2-3 रह गए, ये बच गया, बिक जाएगा भी हल्का फुल्का। अब क्या, मैंने माल लाना बंद कर दिया क्योंकि ये बिक चुके, अब इसका सीज़न ख़त्म है। ये है बॉल, बच्चों की बिकती रहती है, सामने भी टंगी होगी, आपको दिखा दूँ जूम करके। ये बॉल आम रूटीन पे छोटे बच्चों के लिए बिकती रहती है, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। ये बॉल है, ये 12 महीने बिकते हैं। बैट है, ये भी लगभग खत्म हो चुके हैं, 2-3 ही रह गए, ये भी बिक जाएंगे। मतलब जो मैं रखता था पूरा लाट का लाट, काफ़ी सारे 15-20 बैट मैं रखता था, अंदर भी मेरे गोदाम में पड़े रहते थे, यहाँ मैं 2-4 रखता था, तो अब मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता अब ये बिकेंगे नहीं, बहुत कम इक्का दुक्का ही कोई लेगा लेगा, तो मैंने इससे पैसा रोक दिया लगाना। ये भी कॉस्को के मैंने ओरिजिनल, इसमें विक्सन के भी रखे थे। तो ये टंगे हैं, फुटबॉल है, ये लाया था बहुत सारी, सिर्फ 3-4 बची हैं, सब निपटा दी, पैसा मैं रोक के चलता हूँ। रोक के कैसे चलना है आपको, अब जैसे मैंने आपको बता रखा है, हर एक हिसाब से पैसा चलता है बिजनेस में, बिजनेस कोई भी, हर हिसाब से पैसा आपको लगाना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बताता हूँ आपको बिजनेस चलाने के तरीके। और स्टेशनरी एक ऐसा बिजनेस है, इसके साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी। देखो मैंने पहले आपको दिखाता, सबसे पहले राखी लगाता हूँ, राखी के बाद जन्माष्टमी का लगाता हूँ, जन्माष्टमी के बाद दिवाली वगैरह, जैसे जैसे त्यौहार आए, करवा चौथ, हर चीज मैं लगाता हूँ। तो अब जैसे होली का आ गया, अभी होली आने में कितना टाइम है, मैं सामान ले आया, देखो पूरा भरा पड़ा है, फुल स्टॉक है, ये पेटियाँ बंद है, इसमें स्प्रे कलर है, गुलाल है, ये सब पेटियाँ भरी पड़ी हैं, पटाखे भी दिवाली पे लगाते हैं, ये देखो माल भरा पड़ा पूरा, देखिए ये देखो पूरा का पूरा माल भरा पड़ा, टी शर्टें तक के हैं। तो ये तो मैं, खैर आपकी मर्जी है, आप लगाओ ना लगाओ, ये एक एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, कमाई करनी है, तो आपको इन चीज़ों को भी करना पड़ेगा, इन कामों को भी, और स्टेशनरी का जो बतेरी चीज़ें हैं उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सिंपल कॉपियाँ पेंसिल रखते हैं और सोचते हैं स्टेशनरी का काम कर लें, हमें कुछ अपग्रेड भी होना पड़ेगा। आइटम में आपको मैं दिखाता रहता हूँ, जैसे जैसे ये फैंसी आइटम ही है, मैं आपको दिखा दूँ, इनमें असली कमाई है, इन्हीं में ही होती है। ये देखिए, ये सारी फैंसी आइटम हो गए, महंगे पेन हो गए। अब हम सोचते हैं 5-5, 10-10 वाले पेन रख ले और उसमें इनकम कर ले। अब लीड पेंसिल है, मैं 50 वाली भी रखता हूँ, ये देखिए 50 वाली भी, लोग 10-10 वाली रखते हैं, मैं कह रहा 1-1 पीस रखो आप,
शॉप स्टार्टिंग में जैसे मैं कम पैसों से कहता हूँ उसके पैसे कम पैसों से स्टार्ट करो, लेकिन उसके बाद अपने सामान को बढ़ाओ। अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, अगर आप अपग्रेड नहीं होगे ना आपकी दुकान आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि कस्टमर क्या है, एक सामान अगर मानो, छोटी सी बात बता दूं, ये सेल है, मैं आपको दिखाता हूं। आप एक बच्चा आया सेल मांगने कि भैया सेल है ये 9 वोल्ट का सेल, आप कहोगे नहीं है, उसने जो सामान लेना है वो लेके नहीं जाएगा। आप कहोगे है, पहले तो ये लेगा, इसके बाद लाइट के भी ऑप्शन आते हैं इसमें, फैन और मोटर के भी आते हैं, मैं आपको दिखा दूं। वो एक मोटर का पत्ता लेगा आपसे, आपसे लाइट भी ले सकता है, वो कई बार दोनों चीज़ें ले लेगा, ठीक है। उसके बाद और भी लाइटें आती हैं, ये भी दिखा दूं, जैसे ये वाली लाइट है, ये वाली है, और भी बतरी चीज़ें आती हैं। बच्चा फिर उसके साथ आपसे 100 रुपये का आराम से उसका बिल बन जाएगा। अब आपके पास पहली आइटम नहीं है तो समझो कस्टमर आपकी दुकान से गया। अच्छा, कई लोग लेजर लाइट भी नहीं रखते, लेजर लाइट ये महंगी है, सस्ती भी आती है, 50-60 की बिक्री की वो भी पड़ी होगी, इसमें सामान में पीछे कहीं ना कहीं, ये थोड़ी महंगी वाली होती है। तो बतेरी चीज़ें, हाईलाइटर, आपको कलर पेन, ये जैसे ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक तो नया पेन जो भी मार्केट में आए वो ले आओ। मैं क्या करता हूँ, नया पेन रोज जब भी मार्केट जाता हूँ, एक दिन में दो दिन में रोज जब भी जाता हूँ, मैं नया पेन जरूर छाटता हूँ। वो बिकेगा ही बिकेगा, एक बार तो बच्चा लेके जाएगा, बच्चा उस दुकान पे आएगा जहाँ नई नई आइटम आती हो। ध्यान रखना इस बात का, बच्चा उसी दुकान पे जाएगा, रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ नई नई आइटम आती है। अगर आप उसी पुरानी आइटम के दम पे रहोगे ना, आपकी दुकान अपग्रेड नहीं होगी और चलेगी भी नहीं, ये हकीकत बता रहा हूँ। आपको अपनी दुकान को चलाने के लिए नई नई आइटमें को लाना पड़ेगा। जैसे मैं कई बार टॉर्च उठा लाया, सस्ती टॉर्च है ये, छोटी, इनके बच्चों के माँ बाप भी ले आते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, 30 रुपये बिक्री है, ये 60 रुपये बिक्री की है। ऐसे ही चीज़ें उठा लेता हूँ, केरिंग उठा लेता हूँ। अब बताओ 150 रुपये की सेल का केरिंग है, मैं 120-130 बेच देता हूँ, बिकता मेरी दुकान पर। आप महंगा ना लाओ, सस्ता लिया हो थोड़ा, लेकिन चीज़ों में अपग्रेड करना पड़ेगा, स्टेशनरी में अपग्रेड करना पड़ेगा आपका। अच्छा, लोग क्या है, हाईलाइटर ले आएंगे, ये वाले बिजनेस वाले बच्चे मांगते हैं, भैया हमें कुछ स्पेशल हाईलाइटर भी चाहिए। अब हाईलाइटर में जैसे पेस्टल हाईलाइटर आपको पहले भी दिखाया था, ये वाले रखने जरूरी हैं। फिर और हाईलाइटर आते थोड़े फैंसी, ये रख लो, ज़्यादा ना रखो, एक एक पीस आपको लूज में मिल जाएगा। मैं एक एक ही लाता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ 10-10 पीस नहीं लाता। एक इसका पैकेट लिया है, एक इसका लिया, लूज में बेचता नहीं, पूरे पूरे पैकेट बिकते हैं, क्योंकि लूज बिकने पे बेकार हो जाएगा। ब्रश पेन हो गए, इसमें ये आपका ये दिल्ली मेड है ब्रश पेन, ये 150 का बेचता हूँ। डोम्स का सबसे ज़्यादा बिकता है ब्रश पेन, ये पड़ा है, मैं इसमें बड़े वाला पैकेट भी ला के रखा है, ये रहा मेरा, अब तक एक बार नहीं बिका, लेकिन मैं ला के रखता हूँ बड़ी बड़ी आइटम। अब जैसे ये फ्लेयर का ब्रश पेन है, ये नहीं बिक रहा मेरा, लेकिन पड़ा है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डोम्स का ही ब्रश पेन बिकता है, फ्लेयर का कभी मत लाना, ये आपको बता रहा हूँ वीडियो में, ध्यान रखना इस बात का, जरूरी बात है ये। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको बता रहा हूँ अपग्रेड होना ही पड़ेगा। पेंसिल है जैसे, ये देखो, ये पेंसिल मैं लाता रहता हूँ, आपको धूप आ रही है दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसमें ये देखो मिक्स पेंसिल है सारी। मैं मिक्स पूरा डिब्बा कभी नहीं लेता, आपको बताता हूँ मैं कि पूरा डिब्बा कभी मत लो, मिक्स पेंसिल। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी पेंसिल है, ये अलग है, फैन वाली है, ये गुड्डे वाली है, ये गेम वाली है, सारी पेंसिल है इसमें। तो मिक्स पेंसिल उठा लो, और कमाई भी अच्छी होती है इन चीज़ों में। अगर आप सिंपल इन पेंसिलों के दम पे रहोगे ना कि मैं डोम्स के पैकेट बेच लूँ, ये बेच लूँ, ये तो बच्चा लेगा लेगा, लेकिन उसे वो चीज़ ज़्यादा चाहिए। लोग अपने बच्चों के लिए स्पेशल लेके जाते हैं, भैया बच्चे के लिए, छोटा बच्चा, उसके लिए पेंसिल दे दो। तो ऐसी चीज़ें बतेरी जाती है। अब पोकेमोन कार्ड है इस जगह पे, सबसे पहले मैंने रखे थे इस मार्केट के अंदर पोकेमोन कार्ड, किसी को नहीं पता था, बच्चे एक दो बार आए, मैंने उनके मांगते एकदम लिया। ये 10 रुपये सेल का है, मेरे पे 200 वाले सेल है ना, ये सारे खत्म हो जाते हैं, मैं लाता हूँ काफी सारे। अब मेरे सुबह आते हैं इसमें गोल्डन और रेनबो, सुबह बिक गया, ब्लैक मेरा कल बिका था, अभी सिल्वर पड़ा, ये भी बिक जाएगा। एक इसमें आता है ये वाला, ये 60 रुपये सेल का, ये तो दबा के बिकता है डेली, 10 से 15 पैकेट मेरे डेली बिकते हैं। ऐसे ऐसी चीजें बच्चे मांगते हैं। और एक चीज आपको और बताऊंगा मैं, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि सस्ती और बढ़िया चीज है, इनकम की भी है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। तो जैसे पोकेमोन है, ये 60 रुपये सेल का होता है, बच्चे 5-5 डिब्बे ले आते हैं, एक एक बच्चा। अब तो माँ बाप भी ले आते हैं बच्चों के लिए, यार पोकेमोन आए, कार्ड वो दे दो बच्चों के लिए, किसी को गिफ्ट देना हो तो बच्चा अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए ले आता है, ये गिफ्ट में भी चलने लग गए हैं। तो अच्छा, इरेजर होगी जैसे फैंसी इरेजर, मैं कह रहा महंगी ना लाओ लेकिन सस्ती लाओ, मेरे पास कम रेंज में भी पड़ी है, देखो ये इरेजर, ये है इससे कम रेंज में, और दिखाऊं कम रेंज में और भी पड़ी होंगी ये सब चीज़ें। ये यूनिकॉर्न इरेजर है, ये 20 रुपये सेल में। ऐसे डोम्स की आती हैं, फ्लेयर की आती है, बतेरी चीज़ें आती हैं, मैं सब चीज़ें रखता हूँ। आपको थोड़ी थोड़ी आइटम सारी रखनी है, तभी आपकी दुकान अपग्रेड हो पाएगी। क्योंकि आप सिंपल स्टेशनरी में कोई नहीं घुसता आज की डेट में, मैं आपको बता दूँ, मेरी दुकान देख लो, मैं आपको अपनी दुकान बार बार दिखाता रहता हूँ हर तरफ से, सिंपल स्टेशनरी में कोई बच्चा नहीं घुसता आजकल। वो घुसता है जिसे फैंसी मिले, वो क्या करता है आपसे थोड़ा थोड़ा 10-10-20-20 रुपये का सामान लेता रहता है। मेरे पे देखो हर चीज़ है, आप पूरा नज़र मारो, पेन भी देखो, ये टंगे इस पर पेन भी टंगे, जो महंगा पेन है वो मैंने इस पर टांग रखा है, बाकी इस पे भी टांग रखा है। सस्ता पेन हमेशा मेरा उस रैक पे मिलेगा, महंगे पेन की ये मेरा हिसाब किताब है, फ्रंट पे लाके रखता हूँ, जो स्पेशल चीज़ें होती है जो दिखने से बिकती हैं,
क्योंकि पेन तो आपसे कोई वैसे ही मांग लेगा, जो दिखने से बिकेंगी वही ऐसी चीजें होती है फैंसी, ये चीजें मैं लगा के रखता हूँ और अपनी दुकान को कुछ ना कुछ मैं चेंज करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। अब ये है पेपर शॉप, ये बड़े बिकते हैं, ये फ्लेवर वाले होते हैं। एक तो होता है पेपर शॉप, 3 से 4 रुपए का पाउच आता है, लोग लेते हैं। ये बच्चे बड़ा लेते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं ना हाथ मुंह धोने के लिए, और वो कहता है ट्रैवल पे भी यूज होता है, आप बाहर घूमने जा रहे हो तो माँ बाप भी ले जाते हैं ये। और इसमें एक ये शीशी वाला आता है, ये वाला, ये मैं 50 का बेचता हूँ शीशी वाला, और ये मैं 60 का सेल करता हूँ। तो इन चीजों की बड़ी डिमांड होती है। अब ये पेंसिल है, मैंने आपको दिखाई थी, पीछे भी दिखाई थी, एंडलेस पेंसिल, अब दबा के बेची आज की डेट में, अब इसका बंद हो गया क्योंकि मैंने इतनी बेच दी, इतनी बेच दी यहाँ पर, कितनी नहीं बेचूंगी मैं, एक दिन में 20 पेंसिलें बेची है और इनकम भी अच्छी करी है। ऐसे ही अब ये लीड पेंसिल आई थी, ये देखो, ये मैंने बहुत बेची और अब भी बिक रही है। अब इसमें मैं मिक्स करके ले आता हूँ, 5 पीस इसके डाल लेता हूँ, 5 उसके, और 2-3 दिन में सब खत्म होते हैं। 0.7 की लीड पेंसिल है ये। अब देखिए, वैसे तो लोगों को ऐसे मिलेगी, देखिए ये 0.7 की सिंपल 10 वाली होगी, 0.7 की मैकेनिकल पेंसिल, जीरो ये होगी फीक होगी, और ये होगी सेल होगी। ये 50 रुपये MRP पे, और मैं 50 से ही बेचता हूँ, ये होगी 25 रुपये बेचता हूँ मैं। देखिए तो कितनी सुंदर, जो बच्चा होगा ना छोटा, मतलब माँ बाप भी ले आते हैं, यार ये वाली दे दो खरगोश वाली, एक अलग सी, कोई ये लेके जाता है, कोई वो भी ले आता है, तो है ना महंगी भी रखनी पड़ेगी और ये कम रेंज की भी और सस्ती भी, ये ऐसी देखो। अब आते ही बिक जाती हैं, ये आते ही इनकी सेल भी अच्छी होती है, और एक के साथ दूसरा सामान, मैं पहले कहता हूँ आपको, एक के साथ ही दूसरा बिकता, अकेला सामान कभी नहीं बिकता, एक के साथ दूसरा। कहते हैं वो कॉपी वगैरह लेने आया तो उसने पेंसिल देखी, कह के पापा ये भी चाहिए मुझे, एक के साथ हर चीज एक दूसरे चीजों के साथ ही बिकती है। अगर मैं एक चीज रखूंगा तो नहीं बिकेगी, मुझे हर चीज रखनी पड़ेगी। इरेजर में भी आपको फैंसी रखने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रखो, ज्यादा ना रखो, लेकिन अपग्रेड हो। देखो ये है, मैंने आपको पहले दिखाया शॉर्पनर है, ये पेंसिल पकड़ना है, छोटे बच्चों के लिए आता है, 30 रुपए का सेल होता है आराम से, और अच्छी सेल है इसकी, 30 रुपए कहता है दे दो भैया बच्चे के लिए चाहिए, आराम से बच्चा भी खुश जाता है देख के 30 रुपए की चीज को। तो ऐसी ऐसी चीजों में ना आपको हाथ डालना पड़ेगा, तो आपकी सेल अपने आप ही बढ़ेगी, अपने आप ही। अगर आप पुरानी चीजों कॉपियों में, कौन इंटरेस्ट लेता है बताओ, कौन सा बच्चा कॉपी में इंटरेस्ट लेगा, ये रजिस्टर में वो देखता है इतने पेज वाला चाहिए लेके चला जाएगा, वो इंटरेस्ट लेता है अपनी फैंसी आइटमों पे, उसे किटें चाहिए तो पूरी छटेगा। देखो किटें गिफ्ट में जाती है, मेरी ये किटें भरी पड़ी है, देखो मैं लाता रहता हूँ, डोम्स की भाई भाई, ये महंगी महंगी आइटम है, ये तो मैं आपको सजेस्ट करता ही नहीं कि लाओ, अगर आपकी जरूरत है तो लाओ, नहीं जरूरत है तो ना लाओ, ये अलग बात है, लेकिन सस्ती सस्ती आइटम अपनी दुकान पर जरूर बढ़ाओ, क्योंकि उससे ये रख लो, देखो ABCD वाले बच्चों के लिए आराम से चले जाते खेलने के लिए। बबल सबसे ज्यादा बिकता है, ये 20 रुपए सेल का होता है, देखिए ये वाला, ये 40 रुपए सेल का होता है मेरी दुकान पे, सबसे ज्यादा सेल होते हैं, डेली 5-7 बिकते हैं। इससे क्या अपनी दुकान की इनकम होगी, जब इनकम होगी तो आप सामान आराम से बढ़ाओगे, और अपने खर्चे भी, बार बार कहता हूँ, एक्स्ट्रा खर्चे भी आपके निकल पाएंगे, एक्स्ट्रा खर्चे मतलब दुकान के और खर्चे होते हैं आपके, किराए वगैरह है, तो बतेरी चीजें ऐसे निकलेंगी, लेकिन लाओ थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लाओ, बार बार यही कहता हूँ मैं आपको। और अपनी दुकान, हर वीडियो में अपनी दुकान का हर सामान आपको दिखाता रहता हूँ कि मेरी दुकान का सामान चेक कर लो, कुछ कमेंट में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। नेल आर्ट है बच्चों की आजकल फेवरेट है, ये तो बड़ा है, बड़ा पैकेट कभी ना लाओ, 10 और 15 सेल का आपको दिखाता वो लेके आओ। तो ये चीजें होती हैं जिससे आपकी दुकान अपग्रेड होगी। अगर सिंपल स्टेशनरी पे रहोगे तो सिंपल ही रह जाओगे, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, पेन नए छाट के लाओ, कभी स्लाइम ले आओ, ऐसी ऐसी 10 वाली स्लाइम आते वो ले आओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा अपनी दुकान पे। और दोस्तों वीडियो के एंड में जो चीज मैं बताना चाह रहा था आपको वो है ये। अब आप कहोगे यार ये चाइनीज से ही पाउच है, छोटा सा चाइनीज में लिखा है इसमें और काला काला कुछ पड़ा है, उंगली जैसा थंब जैसा, ये क्या, ये है गेम स्लेव, मतलब इससे पबजी और फ्री फायर के गेम खेलते हैं बच्चे, इसे पहन के इससे बड़ा स्मूथ खेला जाता है, क्योंकि आजकल बच्चे इस चीज़ में बहुत लग गया, पूरा पूरा ग्रुप बना के खेलते हैं और ये बिकते बहुत है। ये मैं 30 रुपये सेल करता हूँ, ये आपको किसी भी मोबाइल की दुकान से मिल जाएगा, इनकम भी अच्छी है और सेल भी अच्छी है इसकी। बच्चे मांगते हैं भैया हमें गेम स्लीव दे दो, गेम खेलने के लिए ग्लव दे दो, गेम स्लीव कहते थे, तो ये ला के रखें, ये अपना 10 पीस ले आओ, आपको 5 पीस भी मार्केट से मिल जाएंगे, 10 भी मिल जाएंगे, दुकानदार तक ना भैया हमें बेचने के लिए चाहिए तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बच्चे को पता लगा, मतलब ये देखो बच्चे जो पोकेमोन वगैरह लेके जाते हैं वो इस चीज़ को भी लेके जाते हैं, तो ये चीज़ मैं ये नहीं करता कि मैं बच्चों को बिगाड़ने के लिए रख रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मार्केट में अब बिकती है हमें रखनी तो पड़ेगी, तो चीज़ें तो बहुत हैं, तो ये चीज़ जरूर रखें। ये वीडियो आपको बताई थी वीडियो के एंड में जो चीज़, ये वो है गेम स्लीव, इसे जरूर ला के रखें और अच्छी बिकती है ये। तो दोस्तों मैंने अपनी दुकान भी आपको वीडियो में दिखाता रहता हूँ और बताते भी रहता हूँ, हमें अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बिजनेस ना वही चलता है जो आगे आपको नई नई चीज़ दिखाएगा, आप कपड़े भी उसी दुकान से लोगे जो नई नई चीज़ें लाएगा, और उसमें क्या होता है अगर आप थोड़ा महंगा भी दोगे ना तो आपका चलेगा, उसे पता है यार ये आइटम उस दुकान में मिलेगी वहाँ चलो। आप भी अगर मार्केट कपड़ा या कोई बर्तन या कोई चीज़ लेने जाओगे तो आप उस दुकान पर जाओगे जहाँ पर हर चीज़ मिलती है, जहाँ आपको पता अगर कम क्वांटिटी भी होगी लेकिन क्वांटिटी से मतलब नहीं है, कस्टमर को मतलब है वैरायटी से, आपकी वैरायटी क्या क्या आपकी दुकान पे,
कई बार आप देखो कपड़े का दुकानदार ऐसा होगा, बहुत कम सामान होगा लेकिन उसकी जो वैरायटी होगी ना आपको पहली आंख में भा जाएगी एकदम। आप देखते कहोगे यार उसकी दुकान पे चले, वैरायटी कम होती है, वैरायटी होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है, लेकिन माल एक से एक लाता है, वो छाट छाट के बतेरे दुकानदार है और उसकी दुकान का सामान हल्का सा महंगा होगा और उसे, क्यों? उस पर वैरायटी है। तो ऐसे आप अपनी दुकान की इनकम कभी कर पाओगे, आप पे वैरायटी होगी, वैरायटी का खेल होता है सारा, बिना वैरायटी का कुछ नहीं होता। क्योंकि सिंपल, अगर आप सिंपल की दुकान करके बैठो बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, जब बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो आपकी इनकम नहीं होगी। और बच्चा अपने माँ बाप को लेकर आता, पापा वहाँ चलो वहाँ पे चीज़ मिलता है ज़बरदस्ती, मेरी दुकान का ये हाल है स्पेशल, माँ बाप मेरे पे आते हैं, बच्चा कह के बेचता हूँ अंकल की दुकान से लाना, अरोड़ा अंकल की दुकान से सामान वहाँ पे मिलते हैं, नई नई आइटम आती है तो वो ढूंढते हैं, भैया आपकी दुकान का नाम सुना है। अब बताओ मेरी दुकान को 6 से 7 महीने हुए, 7-8 महीने, ठीक है, अब 8 महीने के अंदर मैंने अपनी दुकान को इस एरिया में तो अच्छा खासा फेमस कर दिया है, लोग आते हैं स्पेशल कि भैया नई आइटम क्या आई है। मैं भी कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ, चाहे थोड़ा सा महंगा लगा लेकिन नया मैं कुछ करता रहता हूँ कि अपने बिजनेस को बढ़ा सकूँ। और जैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाता हूँ और ऐसे ही आपको बताता हूँ कि ऐसे ही अपना बिजनेस भी बढ़ाओ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितनी अपने को नॉलेज है उतनी दो दूसरे को, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और प्यार भी बांटने से ही बढ़ता है। आप लोग मेरा जितना प्यार देते हो वीडियो में तो उससे पता लगता है कि बहुत पसंद करते हो आप मेरे वीडियो को। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री राम। वीडियो मेरी पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो वीडियो आपको मिल जाएगी।